दोस्तों, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और जिसमें ओबीसी समाज के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है, वह प्रावधान कहाँ है और आरक्षण कब लागू किया गया, इतना देर से अगर लागू हुआ तो क्यों लागू हुआ, क्यों देर हुई लागू होने में। तो चलिए, इन तीनों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता शीर्षक के अधीन आरक्षण विषयक प्रावधान किए गए हैं, नौकरियों में आरक्षण विषयक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यहां द स्टेट का मतलब केंद्र राज्य, लोकल बॉडी सबसे है, स्टेट का मतलब राज्य का मतलब केवल प्रदेश से नहीं है, यहाँ राज्य व्यापक अर्थों में यूज होता है। ठीक है, जो लोग कानून के विद्यार्थी हैं या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि स्टेट कई अर्थों में यूज होता है। जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो जो कंट्री है उनको भी स्टेट कहा जाता है, जापान इज ए स्टेट। ठीक है, एक दूसरे सेंस में किसी एक प्रांत को स्टेट कहते हैं, और तीसरे सेंस में आप सरकार के किसी भी बॉडी को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट कहते हैं। एक पुलिस का डंडा भी क्या है, स्टेट है, चौकीदार भी स्टेट है। तो तीन अर्थों में स्टेट टर्म यूज होता है, यहां जो है ये तीसरे वाले अर्थ में, यानी बहुत व्यापक अर्थों में है। तो अनुच्छेद 16 का उपखंड एक तो कहता है कि सभी को सरकारी नौकरियों में नियोजन और नियुक्ति में समानता होगी, लेकिन समानता होने के बावजूद भी खंड 4 राज्य को अधिकार दे रहा है। राज्य का मतलब फिर विधानमंडल या संसद। तो खंड 4 क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स आर पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास नहीं लिखा है, ओबीसी नहीं है, बीसी है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेस अंडर द स्टेट। जनगणना, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करना इस आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये अनुच्छेद 16 का उपखंड 4 कह रहा है कि परंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में लोक नियोजन में आरक्षण देने से निवारित नहीं करेगी। क्यों ऐसा लिखा, निवारित नहीं करेगी, रोकेगी नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 1 में, उपखंड 1 में कहा गया अनुच्छेद 16 के कि सबको समानता होगी, तो ये आरक्षण देंगे तो असमानता होगी, तो कहा गया ये कर सकते हैं, उपखंड 1 रोकेगा नहीं। लेकिन कब, जबकि राज्य की नज़र में समाज के नागरिकों के उस पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो सवाल यहाँ ये है कि यहाँ पिछड़े वर्ग लिखा है, जबकि हम ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़े वर्ग का के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बीसी है तो ओबीसी क्या है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ बैकवर्ड क्लास में आपका आ गया एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, आज ओबीसी को और भी कई कैटेगरीज में बांटा जा रहा है, अति पिछड़ा, ठीक, ई ओबीसी, तो सब इसी में आता है। अब सवाल यह है कि इनका आरक्षण कब दिया गया, तो इनको 1950 में ही आरक्षण दे दिया गया, शेड्यूल
कास्ट आर्डर 1950, शेड्यूल ट्राइब आर्डर 1950 के जरिए जो 1953 से इफेक्टिव हो गया। अब बचा बैकवर्ड क्लासेस में एससी एसटी को निकाल दिया गया तो बचा ओबीसी। ओबीसी बचा नहीं था एक्चुअली, एससी एसटी को शुरू में ही क्यों दे दिया गया, क्योंकि एससी एसटी की का आरक्षण चल रहा था कहाँ, लोकसभा और विधानसभाओं में जो उनकी सीटों का रिजर्वेशन है। तो इसमें जातियां चिन्हित थी, 269 जातियां रखी गई थी, पहले से इनका वर्ग बना था, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ था, इस नाते इनको लेकर कोई परेशानी नहीं थी, तुरंत आरक्षण दे दिया गया। इसी समय मांग उठी कि जो जातियां इन दोनों समूहों में हैं उसके अलावा भी बहुत सारा समूह है जिसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग केवल अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात तक सीमित नहीं है बल्कि समाज का और भी बहुत सारा तबका पिछड़े वर्ग में माना जाना चाहिए। तो क्योंकि पिछड़े वर्ग में से ही एससी एसटी को मिल चुका है तो जो अब बचे वो क्या है, अन्य पिछड़े वर्ग, तो ओबीसी हो गया नाम, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। इसके लिए 1953 में नेहरू सरकार ने एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया काका कालिलकर की अध्यक्षता में, आर्टिकल 340 के तहत, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि बहुत सारी अन्य जातियों को भी पिछड़े वर्ग के रूप में, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण मिलना चाहिए, उनको सुविधा सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया, बाद में वो राजनीतिक मुद्दा बना, तो 1979 किसकी सरकार है, मोरारजी देसाई, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक दूसरा कमीशन बनाया जिसका नाम है बीपी मंडल कमीशन। बीपी मंडल कमीशन का गठन किया गया जिन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन तब तक केंद्र में सरकार बदल गई जनता पार्टी की और फिर से चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। उस रिपोर्ट में काका बीपी मंडल ने तमाम आधारों पर जातियों का वर्गीकरण किया। जनगणना के आंकड़े जारी नहीं है, जरा समझिएगा, जनगणना के आंकड़े जारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत इलाकों में घूम घूम करके कच्चे मकान, पक्के मकान, झोपड़ी, रहने का तौर तरीका, पशु कितने, खेत का स्तर क्या है, जीविका के साधन क्या है किस जात के पास, इस तरह से उन्होंने घूम घूम कर वर्गीकरण किया और उस आधार पर रिपोर्ट बनाई कि इन इन जातियों को भी पिछड़े वर्ग में रखा जाए, उन्हीं को अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया। लेकिन उनका कोई जनसंख्या का अनुपात तो पता ही नहीं था, क्योंकि जनगणना जनसंख्या की हो तो रही थी लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं थे। 1931 के बाद की जनसंख्या जनगणना जो हुई उसमें जातिगत जनसंख्या को जारी ही नहीं किया गया और एक तरह से बहुत बड़ा अन्याय है, इसके पीछे राजनीतिक चाल थी, लोगों ने निचले समाज को विवश किया है कि वो जातिवादी मानसिकता पर आ जाए। ओबीसी का आरक्षण लागू कर रहे हैं 1990 में और टेलीविजन पर बैठ के प्रवचन देंगे तो बोलेंगे 70 साल से आरक्षण ले रहे हो तो आज तक बड़े क्यों नहीं हो गए। अभी कल मैं एक टेलीविजन चैनल पर देख रहा था, एक महोदय बोल रहे हैं कि आपको 3-4 पीढ़ियों से आरक्षण मिला फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत तेज मुझे क्रोध आया, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप, आरक्षण उचित है अनुचित है इस पर चर्चा निष्पक्ष होने दीजिए। झूठे तथ्य कि 3-4 पीढ़ियों से आरक्षण, 4 पीढ़ी तो देश को आजाद हुए नहीं हुआ अभी, मेरे बाबा के जीवन काल में देश आजाद हुआ, पिताजी बच्चे थे और पिताजी के बाद मैं, 3 ही पीढ़ी आई और आरक्षण 1990 में आपने लागू किया तो अभी तो पहली या दूसरी पीढ़ी चल रही है। लेकिन बोलने वाले ऐसे बोल रहे हैं, झूठ फैलाते हैं। तो लागू क्यों लेट से हुआ, जरा इसको समझते हैं। और एक बात और जानिए, जमींदारों को यह देश 1992 तक जमींदारी उन्मूलन के बदले में मुआवजा दिया है, लेकिन पिछड़े वर्ग को आरक्षण 1990 में जाकर दिया और वो भी उसका बहुत भारी विरोध हुआ। तो मेरी जात चाहे जो भी हो लेकिन मैं ये बताऊंगा कि गलत कहां हुआ है,
ये बताया जाना चाहिए। 1992 तक आपने जमींदारी प्रथा में जो बैठे थे, जो अंग्रेज के सिपाही थे एक तरह से, जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों के हाथों से लुटवाने में बहुत योगदान किया था, बहुत बहुत मोटे थे वो लोग, जब आजादी के बाद उनके खेत खलिहान छीने गए, जमीनें छीनकर किसानों में लोगों में बांटी गई, तो उसके बदले में उनको मुआवजा दिया गया, पूरी की पूरी उनकी जमींदारी खरीदी गई, और वो मुआवजा एक बार में तो सरकार दे ही नहीं पाती, इतना अकूत पैसा देना पड़ जाता, तो उसको दिया जाना संभव बनाया जा सके, इसी नाते उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में लिख दिया गया कि 40 बराबर किस्तों में ये दिया जाएगा। 40 बराबर किस्तों का मतलब क्या है कि 1992 तक ये किस्तें दी गई हैं जमींदारों को। तो देश की आजादी के बाद 1992 तक जमींदारों को हमारा देश मुआवजा देता रहा, लेकिन अपने समाज के बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण देने में हमको 40 साल लग गए, और वो भी जब आरक्षण लागू हुआ, कब लागू हुआ अब इस पर चर्चा करते हैं, तो जब आरक्षण लागू हुआ तो कितना व्यापक विद्रोह हुआ, मैं कक्षा 10 में था तब, बहुत भयानक विद्रोह हुआ था, श्रवण समाज के लोग आत्मदाह करने लगे थे, बीपी सिंह खलनायक बन गए थे, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और भी है, ओबीसी समाज भी बीपी सिंह को उनकी जाति का न होने के कारण वो सम्मान नहीं दिया जो अपनी जाति के नेताओं को दे दिया। अब मैं सुन रहा हूं कहीं कहीं ओबीसी समाज के लोग बीपी सिंह की भी फोटो टांग दे रहे हैं, नहीं तो उस मसीहा को अपनी जाति वाले तो इसलिए भुला दिया क्योंकि उनके खिलाफ काम किया था, और जिनके लिए काम किया उन्होंने इसलिए नहीं नाम लिया क्योंकि तुम तो हमारे लिए बात नहीं किए, तुम तो हमारी जात के नहीं हो। तो ये क्या मानसिकता है? मानसिकता सबको बदलनी पड़ेगी, ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1978-79 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका काम था भारत के जातियों में से, समाज में से पिछड़े वर्ग का चयन करना, SC ST के अलावा जो बचे हैं उन्होंने चयनित करके बताया, और ये कहा कि जो आप जो जिन जातियों को रख रहे हैं वो लगभग 53% के आसपास हैं, लिहाजा उनका 27% आरक्षण होना चाहिए, आधा करके 50% 27% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। जब 1989 में बीपी सिंह सरकार बनती है तो उस सरकार ने 8 अगस्त 1990 में बीपी सिंह सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया, ओबीसी का आरक्षण लागू कर दिया, और उसके बदले में बहुत भयानक संग्राम छिड़ गया देश में, लेकिन वो आरक्षण लागू हो गया। इसका मतलब यह है कि ओबीसी का आरक्षण 1990 से लागू है, न कि 1950 से, और 1990 से अगर लागू है तो आज 2023 में 33 वर्ष हुआ है, न कि 73 वर्ष, और 23 वर्ष में एक पीढ़ी गुजरती है, चार पीढ़ी नहीं गुजरती है, ठीक है। तो एक ही पीढ़ी अभी हुआ है आरक्षण के, और एक और दुर्भाग्यपूर्ण और या सौभाग्यपूर्ण बात जैसा भी कहिए कि एक और बात मेरी टाइटल देखकर कमेंट करने वाले, चाहे पक्ष में या विपक्ष में, दोनों जरा ध्यान से सुन लेना, सभी समाज के लिए कह रहा हूं, बीपी सिंह जो सवर्ण समाज के थे उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण दिया, और मोदी जी जो अपने को पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का मैं हूं बार बार अपनी जाति बताते हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो अपना वर्ग बताते हैं, जाति बताते हैं, इन्होंने सभी सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट कर दिया, बेच दिया, एकदम एक बार में सब बेच दिया, जिससे सरकारी सेवाओं में ही तो आरक्षण है, आरक्षण समाप्त हो गया है लगभग, तो वर्तमान में तो आरक्षण केवल झुंझुना भर है, और अब तो लेटरल एंट्री हो रही है, डायरेक्ट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, वो पद आरक्षण की सीमा से बाहर है। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सवर्ण समाज के एक व्यक्ति ने ओबीसी समाज को आरक्षण दिया, जबकि ओबीसी समाज के एक व्यक्ति ने ओबीसी समाज के आरक्षण को कमजोर कर दिया। फिर भी आप अपनी जात के अनुसार ही माला जपते रहें, अपने जात के लोगों को ही अपना नायक माने, तो इससे घटिया कोई मानसिकता हो नहीं सकती।
आपको भी सुधरना होगा, आपका मतलब समाज में जो लोग भी सुन रहे हैं। तो ओबीसी का आरक्षण 1990 के अगस्त में लागू हुआ, और अब सवाल इन पर आता है कि ये जो एससी एसटी का 1950 में लागू हुआ, क्या ये 73 वर्षों से है? जी नहीं, ये भी झूठ है। अगर 73 वर्षों से एससी एसटी का होता ना, तो आज तक एससी एसटी के कुछ लोग तो सेक्रेटरी बन जाते, ऊपर पहुंच जाते। तो ये क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि इनका आरक्षण तो था, लेकिन उपलब्धता पर। अगर योग्य व्यक्ति कोई उपलब्ध होगा तब। 1994 तक एससी एसटी का रिजर्वेशन पर्याप्त रूप से लागू नहीं था। क्यों नहीं लागू था? क्योंकि उनकी सीटें उनके अनुपलब्धता पर दूसरों को दे दी जाती थी। तो फिर उनकी सीटें उनको कब मिली? जब कैरी फॉरवर्ड का रूल लाया गया, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड का रूल कब लाया गया? तो कैरी फॉरवर्ड का रूल लाया गया है 81वीं संविधान संशोधन सन 2000 द्वारा। तो वर्ष 2000 से वास्तव में इनकी सीटें बच पा रही हैं, नहीं तो उसके पहले सीट इनके रिजर्वेशन में निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ग से कोई योग्य व्यक्ति न मिलने के आधार पर इनकी सीटों पर उपलब्ध जनरल को भर दिया जाता था। तो आरक्षण संविधान में लिखा है, लेकिन लागू होने में बहुत देर हुई, और लागू होने पर भी ईमानदारी से लागू नहीं हुआ। आज आपको इस समाज की एक सच्चाई और बता रहा हूँ। मैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ, और मैं सभी समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि आप उठाकर देख लीजिए एचजेएस की जो वैकेंसी निकलती है राज्यों की, एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विसेज, उसमें एक क्राइटेरिया बना दी गई है कि इतना मार्क्स जो पाएगा वही इंटरव्यू में कॉल होगा या मेंस में बुलाया जाएगा। शायद ही कोई एससी एसटी कैटेगरी का व्यक्ति एचजेएस की एग्जाम में उस क्राइटेरिया को पास कर पाता है, उसको बुलाया जाता, किसी को नहीं बुलाया जाता। और क्योंकि एचजेएस नहीं बनेंगे तो आगे प्रमोशन से हाईकोर्ट नहीं जा पाएंगे, पीसीएस जे वाला हाईकोर्ट नॉर्मली नहीं जा पाएगा। तो यही कारण है कि जुडिशरी में एससी एसटी समाज के व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि संविधान में क्या लिखा गया था और किस रूप में इसको लागू किया गया। हाँ, आरक्षण किस रूप में लागू होना चाहिए, जो रूप है वही उचित है, कुछ और बदला जाना चाहिए, इस पर चर्चा मैं कभी तब करूंगा जब मैं अपने विचार दूंगा। ये जो विचार मैंने दिया ये मेरे विचार नहीं है, ये संविधान में उल्लिखित प्रावधान और तथ्य, अन्य तथ्य मैंने आपको बताया, जो इतिहास के तथ्य हैं, जो घटनाएं घटी हैं मैंने वो बताया। मैंने अपना कोई विचार अभी तक नहीं दिया है, सिवाय इस बात के कि आप अपने ही जात में अपने नायक पैदा होने की अपेक्षा मत करिए, और दूसरी जात या समाज से अगर आपके दर्द को कोई मलहम लगाने आए तो उसका तिरस्कार मत कीजिए। धन्यवाद।